यस बेटे, आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड। जिस ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम सीड, ये क्या है? एक प्रोसेस है ग्रोथ ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं फॉर द ग्रोथ, दैट इज़ गुड सनलाइट। फॉर गुड सनलाइट, सनलाइट सीड को क्या दे रही है? प्रॉपर वार्मनेस एंड अप्रोप्रिएट वाटर। अप्रोप्रिएट वाटर मीन्स टू से, अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो सीड हमारा प्रॉपर ग्रो नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी में ग्रोथ नहीं होगी। एंड एयर, तो दीज आर द थ्री कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ए न्यू प्लांट। एंड अ सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। सीडलिंग बेबी प्लांट जब बनेगा तो प्रोसेस कौन सा होगा? जर्मिनेशन। तो अब जर्मिनेशन, डिफरेंट स्टेजेस हैं इन्वॉल्व इन जर्मिनेशन, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले द ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट्स इट फ्रूट फ्रॉम कॉटिलिडन। कॉटिलिडन मीन्स टू से दिस इज अ सीड, दिस इज अ सीड, ये एक सीड है। अगर वी कैन रिमूव दिस आउटर कवरिंग ऑफ दिस सीड, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिटवीन इट, जो स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉटिलिडन। कॉटिलिडन क्या करता है? जब ये सीड ने ग्रो होना है तो इसको न्यूरिश करता है, मीन्स इसके अंदर इसके लिए ये फूड स्टोर करके रखता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। सो एम्ब्रियो ग्रो इन टू अ सीडलिंग, दिस वन इज स्मॉल, दिस स्ट्रक्चर डी स्ट्रक्चर इज द सीडलिंग। तो ये अपना फूड कहाँ से ले रहा था? फ्रॉम सॉइल। अब इसने अपना फूड कहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया? सॉइल से, बिकॉज स्टोर्ड फूड इन कॉटिलिडन गेट यूज्ड अप। यहाँ से वो यहाँ तक, थ्री स्टेजेस तक जो फूड है वो स्टोर यूज अप हो चुका है, स्टोर्ड फूड। ठीक है, स्मॉल पोर्स इन द सॉइल इज फिल्ड विद एयर विच गिव एयर टू द ग्रोइंग सीडलिंग। जो हमारी सॉइल है वो पोरस है, पोर्स हैं सॉइल के अंदर, जिसके अंदर क्या स्टोर है? एयर है। और वो प्लांट क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है किसके लिए? ग्रोथ के लिए। एज द सीडलिंग ग्रो इन साइज, जैसे जैसे सीडलिंग साइज ग्रो होता है, इसको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा एयर चाहिए, ज़्यादा फूड चाहिए, ज़्यादा सनलाइट चाहिए और ज़्यादा स्पेस चाहिए। अगर ये पास पास ग्रो हो जाएंगे, प्रॉपर स्पेस नहीं होगा तो सीडलिंग को प्रॉपर न्यूरिशमेंट नहीं मिलेगी, ना वाटर, ना एयर, ना फूड, तो वो सीडलिंग ग्रो नहीं होगा और डेड हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्पर्सल ऑफ सीड मीन्स टू से दिस इज अ मैथड ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड, मीन्स इधर उधर बिखरना सीड का, कहाँ से? पेरेंट प्लांट से, बाय वेरियस एजेंट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज सीड डिस्पर्सल। अब एजेंट, फर्स्ट एजेंट है बाय विंड। विंड में से क्या होगा बेटा? सीड तभी उड़ के जाएगा अगर वो लाइट है। किस लाइट? लाइट इन वेव। तो इसके जो इसके सीड्स जो होंगे उसको, उनके ऊपर हेयर की ग्रोथ लाइक एक्ट लाइक होगा, पैराशूट की तरह बना होगा, और वो उड़ जाएंगे हवा के साथ इधर उधर, और वो जहाँ पे भी वो जाएंगे वहाँ ग्रो हो जाएंगे। देन नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल डैंडलियन एंड मिल्की वे। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय वाटर। अब पानी में ऑब्वियसली जो सीड होगा वो फ्लोट करता होगा, तभी वो डिस्पर्स होगा इधर उधर। तो एग्जाम्पल है हमारी वाटर लिली, लोटस, कोकोनट एंड पाल। अब कोकोनट का आपने सभी ने देखा है, नारियल, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो फाइब्रस होती है, तो फाइब्रस होने की वजह से वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। देन नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एनिमल। अब एनिमल क्या करते हैं? फॉरेस्ट में है, सो मैनी एनिमल्स आर देयर इन द फॉरेस्ट, तो वो क्या करते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, और फ्रूट खा के जो उनका सीड होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो एक्सक्रीटा से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, और जहाँ वो एक्सक्रीटा गिरता है वहाँ पे वो सीड से न्यू प्लांट ग्रो। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारी आ रही है बाय एनिमल, मिस लैचियो। इसके जो फ्रूट्स होंगे वो स्टिकी होंगे, जो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे बर्ड्स को अपनी तरफ से, और जो सीड हैं वो भी स्टिकी हैं ऑफ दीज फ्रूट, तो वो क्या करेंगे? बीक, स्टिक टू द बीक ऑफ द बर्ड, और वो क्या करेगा? दूसरे जब प्लांट के ऊपर जाके बैठेगा वहाँ बीक को अपनी रब करेगा, स्टिक रब करके। क्यों करेगा रब? क्योंकि उसने उसको क्लीन करना है,
तो क्या होगा, स्टिकी सीड लेफ्ट वहाँ रह जाएगा ऑन द बार्क एंड ग्रो इन टू अ न्यू मिसलेटियो प्लांट। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आ रहा है बाय एक्सप्लोजर। एक्सप्लोजर, एक्सप्लोजर मीन्स टू से, अब आपने पीज खाए हैं वो मटर के दाने, जब पक जाएंगे, व्हेन सीड बिकम राइप, राइप मीन्स टू से जब वो पक जाएंगे, तो उनकी जो आउटर कवरिंग है जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं उसे हम पॉड बोलते हैं, वो ड्राई हो जाएगा। जब वो ड्राई होगा ऑब्वियसली वो ब्रस्ट करेगा, ब्रस्ट मीन्स फटेगा, ओपन होगा और स्कैटर्ड हो जाएगा द पी के सीड्स और बीन के सीड, और इधर उधर गिरेंगे जिससे कि न्यू प्लांट विल ग्रो, डिस्पर्सल ऑफ सीड। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर मीन्स टू से growing to grow healthy plant on a large scale, means we have to grow healthy plant क्यों large scale पे, क्यों? क्योंकि हमारी क्यों large scale पे grow करना है बेटा, क्योंकि हम जिस country में रह रहे हैं वो क्या है, vast, बहुत बड़ा country है जिसकी population बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो you get most of your food, जो हमारा ज़्यादातर food है वो किससे मिलता है, हमें plant से। तो जो plant है वो प्रोवाइड फूड, हमें जो फूड दे रहे हैं किस लिए, फॉर लार्ज पॉपुलेशन के लिए। तो इसलिए हमें वो ग्रो करना है हेल्दी प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, ये क्या आ गया हमारा एग्रीकल्चर। अगर हम इसको लार्ज स्केल पे नहीं ग्रो कर पाते कि तो हम अपनी कंट्री को, सभी को फूड प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। सच प्लांट विच आर ग्रोन, ऐसे प्लांट जो ग्रो होते हैं ऑन लार्ज स्केल किस लिए, फूड के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं हम, क्रॉप्स। एंड इसकी क्रॉप की प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप मींस, प्रैक्टिस मींस टू से कि हेल्दी हो, डिसीज फ्री हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। तो डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पे ग्रो करती हैं, और सॉइल कंडीशन मींस डिफरेंट क्रॉप्स जो होंगी वो किस किस पे डिपेंड करेंगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं और सॉइल कंडीशंस कैसी हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस मींस टू से टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल नाउ वी हैव हार्वेस्टेड द वीट ना, नाउ इट्स टाइम आफ्टर इन जुलाई इट्स टाइम टू ग्रो पैडी। पैडी मींस टू से राइस। क्यों पैडी ग्रो करनी है उस टाइम, क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए मॉनसून का जो टेम्परेचर होगा वो अप्रोप्रिएट है, और अमाउंट ऑफ लाइट वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ द डे एंड द सीजन ऑफ द ईयर। सो यू सी डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। तो सम क्रॉप ग्रो इन वार्म सीजन एंड अदर ग्रो इन कोल्ड सीजन। तो इस बेसिस पे हमने क्रॉप्स को टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। अब जो फार्मर ग्रो करते हैं प्लांट्स अकॉर्डिंग टू सीजन, क्यों, दैट सूट टू द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। मीन्स फार्मर अकॉर्डिंग टू सीजन ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, क्योंकि वो सूट करती है क्रॉप्स को। तो जो विंटर में ग्रो होंगी, विंटर सीजन में, विंटर सीजन मीन्स टू से इन द स्टार्टिंग ऑफ विंटर, दैट इज फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होंगी, वीट, ओट, बार्ली। तो इनको क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल कैबेज, कॉलीफ्लावर, बीन्स, पीज, असम वेजिटेबल्स हैं जो हम कब ग्रो करेंगे, विंटर में, एंड वीट आल्सो। क्रॉप विच आर ग्रोन इन समर, नाउ समर इज गोइंग ऑन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, सच क्रॉप्स आर खरीफ क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल राइस, मेज एंड मिलेट, दीज आर कॉल्ड रबी खरीफ क्रॉप। सो वेजिटेबल विच आर वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं, पम्पकिन, ब्रिंजल, बिटर यार्ड, ऑल्सो ग्रोन वेल इन द समर सीजन। अंडरस्टूड? नाउ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसके लिए हमें इंक्रीज करनी, क्या इंक्रीज करने पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी। क्यों करनी पड़ेगी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, कि एवरी पर्सन इन द इन हेयर विल गेट द प्रॉपर फूड। सो इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन, वो कैसे करेंगे, विन क्रॉप को हम ग्रो करेंगे फील्ड में, आफ्टर ईयर सॉइल बिकम पुअर,
मीन्स बार बार एक ही क्रॉप को सीजन आफ्टर सीजन जब ग्रो करते हैं तो उसकी में किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मिनरल्स की. सो फार्मर ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, मीन्स फार्मर वहाँ मेन्योर और फर्टिलाइजर डाल के उसके मिनरल्स को रीफिल करते हैं सॉइल के अंदर. क्यों करते हैं? ताकि उसकी इम्प्रूव हो सके क्या क्वालिटी, और सम वाइडली यूज्ड केमिकल्स. जो फर्टिलाइजर है, मैन्योर इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, वेयर एज फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड. तो ये मैन मेड है तो वो मैन मेड क्या डालते हैं, केमिकल. फॉर कौन सा केमिकल है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड नाइट्रेट. जो ज़्यादा यूज करते हैं वो है यूरिया. तो अब मैन्योर क्या है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर है जो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम डीकम्पोजिशन, मीन्स ड्राइड लीव्स को एक डीकम्पोज किया जाता है और ड्रॉपिंग ऑफ एनिमल्स. दीज आल्सो प्रोड्यूस, ये कैसे बनेगी, जब हम ड्राई लीव्स और काउडंग वगैरह को इकट्ठा कलेक्ट कर लेंगे तो उसको फील्ड के अंदर कलेक्ट करते जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, डीकम्पोज होगा. मीन्स डीकम्पोज मीन्स गलेगा, सड़ेगा, जिसके वो एनरिच हो जाएगा किससे, मिनरल से. तो उसको हम फिर कहाँ ऐड कर देंगे, सॉइल में. इसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल फर्टिलाइजर. इसको नेचुरल क्यों बोला है, ऑर्गेनिक भी है, ये हार्म नहीं करती एनिमल सॉइल, ठीक है. अब क्या रहा, सम इम्पॉर्टेंट वे टू इम्प्रूव द ग्रोथ. सबसे पहले कैसे, प्रिपेयर द सॉइल वेल, मीन्स सॉइल को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, प्लग करना है उसको. प्लगिंग मीन्स टू से लूजिंग द सॉइल. लूज क्यों किया जाता है, कि उसके अंदर एयर चली जाए. अगर एयर जाएगी तो राइट काइंड और राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर भी उसमें, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर चले जाएंगे. तो उसके बाद हमने हेल्दी सीड्स लेने हैं, गुड वैरायटी के. अगर डिसीज्ड सीड्स होंगे तो क्रॉप हमारी अच्छी नहीं ग्रो करेगी. और वाटर इन द फील्ड वेल विद राइट अमाउंट, मींस जो वाटर है हमें राइट अमाउंट में प्रॉपर इंटरवल्स पे देना है. थर्ड उसके बाद उसको प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज करना है. कैसे करेंगे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज एंड इंसेक्ट, फॉर द बाई यूजिंग द फंगीसाइड टू किल द फंगस. फंगीसाइड इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं. फिर प्लांट को प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ईटिंग द ग्रेजिंग एनिमल्स, मीन्स हमें बाउंड्रीज बनानी है अपने फील्ड के आसपास, सो दैट ग्रेजिंग एनिमल जाके हमारी क्रॉप को ख़राब नहीं करें. और प्रॉपरली स्टोर करनी है हार्वेस्ट के बाद. अगर वो प्रॉपरली स्टोर नहीं होगी तो पानी अगर लगा रह जाएगा तो जर्म्स ग्रो हो जाएंगे एंड एनिमल्स लाइक मोल्स एंड रैट इंसेक्ट्स उसको ख़राब कर देंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चर.